हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 6 ऑफ सॉलिड स्टेट इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 का बी पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे टॉपिक रेडियस रेशियो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, और किस तरीके के क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में और इससे रिलेटेड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट को, जो रेडियस रेशियो है। इस रेडियस रेशियो क्या होता है ये? तो ये होता है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन और एंड टू द रेडियस ऑफ एनायन। तो कैटायन और एनायन के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस रेशियो कहते हैं, जो कि फॉर्मूले के टर्म में अगर लिखें, दैट इज रेडियस रेशियो इज इक्वल टू होगा आपका क्या? रेडियस ऑफ कैटायन, जिसको कि हम लोग आर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ एनायन को आर नेगेटिव लिख सकते हैं, जो कि हम लोग बस सिर्फ इतना लिखें तो चल सकता है काम, कि हम लोग लिख दें आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव, यानी रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। तो इस तरीके से रेडियस रेशियो का डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको डिफाइन करने का ये है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। और इसके साथ आप फॉर्मूला भी लिख दें जब डेफिनेशन पूछा जाए। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लिखने को नहीं कहा गया है इसलिए फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन के साथ दैट इज करके आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया है उसके बावजूद भी। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात आती है डेफिनेशन के बाद, एक टेबल मैं आपको बताता हूं कि रेडियस रेशियो से रिलेटेड अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, उसके लिए हमें इस टेबल की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए, तब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब ये टेबल हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये टेबल कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये टेबल को एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे तभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे ये टेबल है क्या, तो इसमें रेडियस रेशियो देखिए लिखा हुआ है, रेडियस रेशियो, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर है, स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट है और इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है कि 0.155 से लेकर 0.225 के बीच अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू लाई करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 और ये होगा प्लेनर ट्रेंगुलर, ये हो जाएगा प्लेनर ट्रेंगुलर, प्लेनर ट्रेंगुलर होगा। सेप अगर पूछा जाए तो कैसे क्या होगा, ये क्वेश्चन का पैटर्न मैं एक दिखाऊंगा जिसमें कि आप इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे। 0.225 से लेकर 0.414 के बीच अगर वैल्यू लाई करता है रेडियस रेशियो का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्रा हेड्रल, टेट्रा हेड्रल होगा। क्लियर है? और इसका एग्जाम्पल, ट्रिंगुलर प्लेनर का एग्जाम्पल होगा B2O3, इसका एग्जाम्पल होगा CuCl और एग्जाम्पल होगा CuBr, नेक्स्ट होगा CuI
और भी एग्जाम्पल की बात करें तो BAS, ये सभी एग्जाम्पल जो होगा आपका, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 के बीच लाई करता है। नेक्स्ट वैल्यू है 0.414 से लेकर 0.732 के बीच अगर वैल्यू लाई करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और ये स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल इसका। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल होगा जो NaCl है, NaBr है, KBr है, ETC। ये सभी एग्जाम्पल्स आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। नेक्स्ट होगा 0.732 से लेकर 1 के बीच अगर वैल्यू लाई करता है रेडियस रेशियो का तो इस हालत में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और ये स्ट्रक्चर शो करेगा BCC का। और BCC के स्ट्रक्चर में क्या होगा? CSI, सीजियम आयोडाइड होगा, CSBr, सीजियम ब्रोमाइड होगा, TIBr, TIBr, जिसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये टी को, ये क्या है? TIBr है, TIBr, ओके। ये सभी एग्जाम्पल BCC स्ट्रक्चर शो करता है। तो अब देखिए, ये टेबल याद रखेंगे हम लोग तो इसका फायदा क्या है? इससे रिलेटेड 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में होते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होता है और बहुत ही सिंपली इससे नंबर भी लिया जा सकता है, बहुत ही इजी होता है। बस सिर्फ आपको टेबल याद है तो आप इसका आंसर आराम से कर पाएंगे। जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन सेट करके रखा हूं यहाँ, क्या ये देखिए क्वेश्चन है, द टू आयन्स हैं जिसमें एक है ए पॉजिटिव और दूसरा है बी नेगेटिव, यानी एक है कैटायन और दूसरा है एनायन, जिसमें कि दोनों का रेडियस गिवन है। एक का है 88 जो कि ए पॉजिटिव का है और बी नेगेटिव का है 200 PM रेस्पेक्टिवली, क्रमशः लिखा हुआ है। मींस कि पहले वाला जो वैल्यू है ए पॉजिटिव का है और दूसरा वाला वैल्यू जो है वो बी नेगेटिव का है। अब पूछता क्या है, इन क्लोज पैक क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड ए बी, ए बी का क्लोज पैक क्रिस्टल बना रहा है और पूछता है प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो आपको पहले ये दिखाना होगा कि रेडियस रेशियो इसका क्या है। रेडियस रेशियो जब निकाल लेंगे, रेडियस रेशियो एक मिनट इसको मैं ठीक कर लूं, ये क्या है? रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो इसका निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है अभी अभी। रेडियस रेशियो का फॉर्मूला होता है ए पॉजिटिव डिवाइडेड बाई बी नेगेटिव। यहाँ पे अभी बताए थे कि कैटायन और एनायन, तो कैटायन के फॉर्म में यहाँ ए है और एनायन के फॉर्म में यहाँ बी है। तो ए पॉजिटिव का वैल्यू है 88 PM और बी नेगेटिव का वैल्यू है 200। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 0.44 PM आएगा वैल्यू इसको डिवाइड करने के बाद। अब आप देखिए ये 0.44 जो है वैल्यू रेडियस रेशियो का, ये किसके बीच लाई करता है? मैं टेबल दिखाता हूं आपको फिर से और मैं फिर समझाता हूं आपको। देखिए ये 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में ही कहीं पे 0.44 आएगा। और जब आप जानते हो कि इन दोनों के बीच में रेडियस रेशियो का वैल्यू होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होगा? 6 होगा। तो अब रेडियस रेशियो निकाल लिए तो अब हम लोग बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में तो यहाँ गिवेन था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ए पॉजिटिव का बताना है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ इसका स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट किस टाइप का है। तो अगर ऐसा पूछा गया तो स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट मैं यहाँ लिख दूँ, आपके क्वेश्चन में ये गिवेन नहीं है बट एडिशनल मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी एडिशनल एक क्वेश्चन हो सकता है। तो अब आप हमें बताइए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग रेडियस रेशियो का देखें। इस तरीके से कितना भी क्वेश्चन पूछा जाए, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें कैटायन का रेडियस गिवेन होगा, एनायन का रेडियस गिवेन होगा, इन दोनों से हम लोग रेडियस रेशियो निकाल लेंगे। देन आफ्टर की वो टेबल, जो एक्सपेरिमेंटल टेबल हम लोगों को दिया गया है, उसको हम लोग याद रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आंसर कर लेंगे। तो टेबल को स्पेशली नहीं पूछा जाता, टेबल को याद रखेंगे तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो पाएगा आपसे। तो बोर्ड एग्जाम में रेडियस रेशियो से पूछा क्या क्या जाता है, पूछा जाता है डेफिनेशन, फॉर्मूला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अगर रेडियस रेशियो से क्वेश्चन टच किया तो। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन भी मैं एक लिया हूं, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ MgO, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ MgO का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है, क्रिस्टल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इट्स कैटायन इन विच कैटायन एंड एनायन रेडियाई आर इक्वल टू 65 PM एंड 140 PM, ये दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे MgO है, MgO मैग्नेशियम ऑक्साइड है। इसके सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखें तो MgO क्या है, Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव है। अब देखिए कैटायन एनायन का पता चल गया आपको, यहाँ कैटायन एनायन के फॉर्म में नहीं दिया था, यहाँ पे कंपाउंड के फॉर्म में दिया हुआ था और इसको पहले कैटायन एनायन के फॉर्म में हमें समझना था कि कैटायन क्या है एनायन क्या है, बस यही इसमें एक एडिशनल बात है जो कि बहुत सिंपल बात है, +2 वाले बच्चे आराम से इस बात को कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेडियस रेशियो फाइंड कर लेंगे, तो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा आपका, रेडियस रेशियो हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव अपॉन में क्या होगा O2 नेगेटिव, और कैटायन का जो रेडियस दिया है वो दिया है आपका 65 और नीचे कितना है 140 दिया है, 140 दिया है। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा जी, 140 ये 65, ये पॉइंट लगा देंगे 0, कितने से जाएगा ये, आई थिंक 5 से नहीं 4 से जाएगा, ये 4 0 600 560, तो ये कितना हो जाएगा 4 में 560 हो जाएगा। अब इसको ये ये कितना हो जाएगा 15 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, अब ये कितने से जाएगा, 140 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करके देखो 0 8 6 से जाएगा ये, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ कितना 0.46, ये 0.46 आ गया, इतना क्या आ गया PM आ गया, ठीक है। अब रेडियस रेशियो हमें मिल गया 0.46 PM, अब 0.46 PM किसके बीच लाई करता है हमें ये समझना होगा, तो 0.46 फिर वहीं पे लाई करेगा जो कि पिछला क्वेश्चन था आपका 0.414 से 0.732 के बीच में लाई करेगा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। और इसमें स्ट्रक्चर भी पूछा जा रहा है, तो स्ट्रक्चर आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल होगा, तो ये लिख देंगे आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें डायरेक्ट कैटायन और एनायन आपको गिवेन नहीं हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि रेडियस रेशियो काफी सिंपल टॉपिक है, आप इसको एक बार दो बार वीडियो देख लें और एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लें इन एक दो तीन क्वेश्चन का। और भी आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में मिलेगा जो कि इसी पैटर्न पे होगा, तो उसको भी आप देखें, उसको भी आप समझें, तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी इस पे और फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, दूसरा टॉपिक जो मैं लिया हूं, डेंसिटी कैलकुलेशन। डेंसिटी कैलकुलेशन किसका? यूनिट सेल का डेंसिटी कैलकुलेशन। तो यूनिट सेल के डेंसिटी कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसके फाइनल रिजल्ट जो है, इसके रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सिंपल होता है, यही कॉम्पिटिटिव में होता है, तो थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करता है। वो कैसे करता है, क्या करता है, वो बात मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ टफ नहीं है। जैसे सबसे पहले तो मैं डेंसिटी कैलकुलेशन जो सिंपल है आपका प्लस टू लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी बात करता हूँ। तो डेंसिटी कैलकुलेशन, क्यूब का डेंसिटी कैलकुलेट करना है हमें, यूनिट सेल का, क्यूबिक क्रिस्टल का, जो भी आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे एक क्यूब बनाया हूँ मैं, ये देखिए क्यूब है, और इसी का हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है, इसी का। तो आप सभी बच्चे डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, ये बात आप पहले से जानते हैं, बस इतना आप जानते हो पहले से। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, तो इसमें कंसीडर करते हैं क्या, लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब कितना है, ए पी एम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे पी एम का मतलब टाइम वाला पी एम से नहीं है, यहाँ पे पी एम का मतलब है पिकोमीटर, और इस पिकोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, पी एम डिस्टेंस का यूनिट है, तो ए पी एम। अगर हम लोग यही लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब को सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब की अगर बात करें तो ये क्या है, ए इंटू 10^-10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। फिर ये क्यूब का एक साइड अगर ए इंटू 10^-10 सेंटीमीटर है तो क्यूब का सभी साइड इक्वल होता है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ये आप फॉर्मूला से जानते हो। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर लिखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो क्या लिखेंगे, साइड का क्यूब, और साइड है कितना, ए इंटू 10^-10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्यूब हो जाएगा जी। तो इसका क्यूब होगा तो क्या होगा, ए क्यूब इंटू 10^-30 सेंटीमीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम निकल गया क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम आप निकाल लिए। अब हमें मास निकालना है यूनिट सेल का, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा। तो देखिए मास ऑफ यूनिट सेल क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में बहुत सारे एटम हैं, यूनिट सेल का डेफिनेशन ही होता है रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ यूनिट, यानी उसके अंदर बहुत सारे यूनिट हैं। तो एक एटम का यूनिट में एटम है, एक एटम का जो वेट होगा वो सभी एटम का वेट उतना ही होगा। तो इसमें कंसीडर करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा,
मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास और टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम को जेड से कंसीडर करते हैं और मास ऑफ वन एटम को हम लोग स्मॉल एम से कंसीडर कर देते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल जेड इंटू स्मॉल एम हो गया। अब हम लोग प्रीवियस क्लास से जानते हैं क्या कि एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन में क्या होगा, एवोगैड्रोज नंबर होगा, एवोगैड्रोज नंबर होगा। अब एटॉमिक मास को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल एम और इसको कर लेते हैं एन नोट से। वैसे एवोगैड्रोज नंबर को एन ए से भी लिख सकते हैं, आप बुक पढ़ेंगे तो एन ए भी लिखा होगा, तो उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद एक एटम के मास यहाँ पे स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कैपिटल एम अपॉन में एन नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगेन फिर हम लोग लिखते हैं मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू स्मॉल एम के जगह पे आप लिख दीजिए कैपिटल एम अपॉन में एन नोट लिख सकते हैं। तो अब देखिए मास ऑफ यूनिट सेल भी आपको पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी पता है आपको, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी पता कर लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास किसका, यूनिट सेल का। तो यहां पे पूरा लिखता हूं मैं, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये क्या आप लोग कैलकुलेट कर लिए हम लोग कि मास ऑफ यूनिट सेल है आपका जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन में एन नोट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, ए क्यूब इंटू 10^-30, और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्लियर हो गया, समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब इसके बाद यहाँ पे एक बात मैं समझाता हूँ आपको कि जब आपका यूनिट क्वेश्चन में पीएम में गिवन हो, लेंथ या कोई अदर यूनिट, तभी फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो 10^-30 लिखेंगे फॉर्मूले में। अगर मान लीजिए कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब या रेडियस पीएम में गिवन नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर में गिवन है, तो फॉर्मूला जब यूज करेंगे आप तो 10^-30 जो डिवाइड में लिखे हो आप, उसका यूज आप नहीं करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी को हम लोग रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूले को रो इज इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन में क्या हो जाएगा, एन नोट इंटू ए क्यूब इंटू 10^-30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के साथ साथ एक फॉर्मूला और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यूब का जो साइड होता है, क्यूब का जो साइड होता है वन साइड या ऑल साइड, वन साइड जितना होता है सभी साइड उतना ही होता है, इसीलिए ऑल साइड में बोल रहा हूं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, किनारा एज, केटायन एनायन के फॉर्म में कैसे आप फाइंड करेंगे, एज मतलब ए। तो ये होता है फॉर्मूला 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयन, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयन्स, ये एक फॉर्मूला होता है जिसका कि नॉमरिकल सॉल्व करते समय इसकी जरूरत पड़ती है
इसलिए आप सभी बच्चे इसको भी ध्यान में रखेंगे और इस पूरे कैलकुलेशन को एक बार वीडियो देखने के बाद आप अपने से करने की कोशिश करें, और जहां दिक्कत हो, जहां समझ में नहीं आए, दोबारा फिर आप देखें तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और डेरिवेशन कर लेंगे आप, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं कुछ इससे रिलेटेड, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। जैसे कि ये सभी क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ, ये बोर्ड एग्जाम के लायक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कि आप जेई मेन भी अगर दे रहे हैं तो इस तरीके के ही क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसा कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूँ, क्या फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ मैं, सिल्वर फॉर्म सीसीपी। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लॉज पैकिंग, जो कि एफसीसी के बराबर होता है, एफसीसी के इक्वल होता है। मीन्स कि एफसीसी में जितना एटम पर यूनिट सेल होगा, सीसीपी के अंदर भी उतना ही एटम पर यूनिट सेल होगा। तो यहां से एक बातें क्लियर हुई, जब क्वेश्चन आप पढ़ें तो ये देखें कि क्वेश्चन में गिवेन क्या है। तो सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहा है, और सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहा है तो एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, 4 होगा। जैसा कि अभी आपको बताए कि सी सी पी एफ सी सी के एटम पर यूनिट सेल के बराबर होता है, या एच सी पी के एटम पर यूनिट सेल के बराबर होता है। मीन्स कि एफ सी सी का एटम पर यूनिट सेल अगर 4 है तो सी सी पी का एटम पर यूनिट सेल भी 4 होगा, और एच सी पी का एटम पर यूनिट सेल की बात की जाएगी तो 4 होगा। ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल सो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6 PM। देखिए, अब ए का वैल्यू दिया है, सेल एज मतलब क्या, एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल, यानी एक किनारा उसका कितना है, 408.6 PM इतना दिया है। अब देखिए यहाँ पीएम है, तो पीएम है तो फॉर्मूले में 10^-30 का यूज हम लोग करेंगे। अब यहां पे क्या है, एम, एम क्या है, 107.9 U, यानी मास दिया हुआ है ये। तो डायरेक्ट अब फाइनल हम लोगों को निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिया है ये कि डेंसिटी आप कैलकुलेट कीजिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम, अभी अभी हम लोग कैलकुलेट भी किए हैं इस बात को, एन नोट इंटू ए क्यूब इंटू 10^-30। 10^-30 इसलिए लिख रहा हूं मैं कि यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब पीएम में दिया है। अब सारा वैल्यू को आप पुट कर दें, जेड का वैल्यू 4 है क्वेश्चन में दिया हुआ, एम का वैल्यू 107.9 है, यहाँ पे यू का मतलब है ए एम यू एटोमिक मास यूनिट, जो कि ग्राम के अप्रोक्सीमेट बराबर होता है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है पॉइंट में, बट उसको हम लोग थ्योरेटिकली ए एम यू को ग्राम ही कंसिडर करके चलते हैं। जैसा कि आप 11th के फर्स्ट चैप्टर में, आप इसमें डिफरेंशिएशन ए एम यू और ग्राम में क्या डिफरेंस होता है वो समझ गए होंगे 11th क्लास में। अब यहाँ क्या है, ए नोट, एवोगैड्रोस नंबर है जिसका वैल्यू 6.023 10^23 होता है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 408.6 का क्या है, क्यूब है, और इसके बाद (10^-30) है ये। अब यहाँ पे इस क्लास में बेसिक कैलकुलेशन जो होता है मैथ्स का, जैसे बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड आता है, ये थोड़ा सा टफ आएगा, इसको आपको कैलकुलेट करना ही होगा। तो अब इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू जो मिलेगा वो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। तो डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो ये बहुत ही सिंपल था कि सारा चीज क्वेश्चन में गिवेन था, कोई टेक्निकल बातें नहीं थी इस क्वेश्चन में, सीधा वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना था और उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन करना था, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, और फाइनल रिजल्ट लाना था। लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निकल बात भी इसमें इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही सभी क्वेश्चन
थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है, और यही सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है ये। क्या है दूसरा क्वेश्चन? सोडियम हैज बी सी सी स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। अब इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवेन है वो लिखते चलेंगे। तो बी सी सी का जेड का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे विद नियरेस्ट नेवर डिस्टेंस 365.9 PM है। अब नियरेस्ट नेवर डिस्टेंस जो दिया है, इसका मतलब आप क्या समझ जाते हो कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब ए का वैल्यू दिया है, बट ये नहीं है। बस यही बातें यहाँ पे एक खास है कि ये नहीं, ये क्या है, डी है, ये डी है। बट तो डी हम लोग कैसे पुट करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए? तो बी सी सी तो गिवेन है। बी सी सी का रेडियस क्या होता है? रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है कि आर इज इक्वल टू √3a/4 होता है, √3a/4 होता है। तो आर है आपका रेडियस, और ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है ये है डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, d/2 अगर मैं लिख दूं तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी आर को मैं d/2 लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, √3a/4। आप देखिए यहाँ 2 से 4 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या बनेगी बात, देखिए d इज इक्वल टू √3a/2 हो जाएगा, और d का डिस्टेंस, ये d जो दिया है ये d का वैल्यू दिया है। आप यहाँ पे d के जगह पे रख दो 365.9 PM के, PM में है यूनिट, इज इक्वल टू √3a/2 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, √3a इज इक्वल टू 365.9 × 2 है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 365.9 × 2 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आपको मिलेगा। यही मात्र एक टेक्निकल बातें थी इस क्वेश्चन में, जो कि डायरेक्ट a नहीं दिया था, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिया था, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जब दिया रहे तो क्रिस्टल के अकॉर्डिंग उसमें रेडियस का फॉर्मूला लगाना है, और रेडियस के फॉर्मूले के बाद डायमीटर d/2 लिखना है, उसके बाद d का वैल्यू पुट कर देना है, देन आफ्टर की a कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे b सी सी से रिलेट करके क्वेश्चन है, f सी सी से भी रिलेट करके क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, 422.5 PM आ जाएगा। अब देखिए आप a निकाल लिए, अब ये निकल गया, जेड का वैल्यू आपको पता है, और एटॉमिक मास सोडियम का क्वेश्चन में गिवेन है, अगर नहीं भी दिया रहता तो बहुत ही सिंपल की 23 ग्राम है। अब डेंसिटी हम लोग निकाल लेंगे, क्या z(m)(n₀)(a³)(10⁻³). अब जो वैल्यू है वो सारा पुट कर दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 23 / में क्या हो जाएगा, 6.023 × 10⁻²। और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 422.5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इसके बाद 10⁻³ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इजी नहीं होता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, तो ये प्रैक्टिस करने से आप जल्दी कर पाएंगे इसको। तो डेंसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.51 g/cm³, ये आपका आंसर मिल गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी डेंसिटी निकालना था, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डेंसिटी निकालना था, बट उसमें सारा वैल्यू दिया था, बस सिर्फ वैल्यू पुट करना था फॉर्मूले में, आंसर निकल गया। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन की, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिया है जिसको, जिससे कि हमें ए का वैल्यू निकालना है, देन आफ्टर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाकर हमें डेंसिटी निकालना है। ओके, क्लियर है? दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस हो गया, और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछा जा सकता है। इस साल अगर आप लोग अपीयरिंग कैंडिडेट हो 12th क्लास के,
तो इस वीडियो को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बार बार इसको देखें, बार बार इसको समझें, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होंगे, आप इजीली कर पाओगे। अब देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन की बात मैं करता हूं। तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है, ये भी थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंट है क्या, बी सी सी स्ट्रक्चर है, तो बी सी सी स्ट्रक्चर है यानी जेड का वैल्यू कितना है, 2 है। बी सी सी स्ट्रक्चर है मीन्स की जेड का वैल्यू 2 गिवेन है। ओके, अब यहाँ पे सेल एज दिया हुआ है यानी डायरेक्ट ए का वैल्यू दिया है। डायरेक्ट ए का वैल्यू कितना है, 288 पीएम दिया है, पिकोमीटर। अब द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की डेंसिटी भी गिवेन है कितना, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपसे पूछता क्या है, इतना गिवेन कर देन गिवेन होने के बाद पूछता है हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट 208 ग्राम है तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो अगर हम लोग एक एटम का मास निकाल लें, एक एटम का मास, और उसको 208 से 8 को उस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझे, यहाँ पे एलिमेंट कितना है, 208 ग्राम है, और एक एटम का मास निकाल लें, 208 को उस पर्टिकुलर एक एटम के मास से डिवाइड कर दें तो कितना नंबर ऑफ एटम है, ये हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए हमें, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें मास कैलकुलेट करना चाहिए। मास कैसे कैलकुलेट होगा, तो डेंसिटी का फार्मूला हम लोगों को पता है क्या, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन नोट इंटू ए क्यूब इंटू 10^-30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट होगा, बट यहाँ पे डेंसिटी गिवेन है, यहाँ पे हमें मास निकालना है। तो एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी इंटू एन नोट इंटू ए क्यूब इंटू 10^-30 और डिवाइड आप किससे करोगे, जेड से डिवाइड करोगे। तो डेंसिटी कितना है, 7.2 और 6.023 10^23। ए का वैल्यू भी गिवेन है, 288 पीएम है, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब इंटू 10^-30 और डिवाइड कितने से कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मास निकल जाएगा 51.8 मिल जाएगा, 58.8 ग्राम जनरली हम लोग लिख देते हैं, बट ये ग्राम एक मोल का होता है, यहाँ पे पर मोल लिख देंगे, यानी एक मोल का जो वेट है वो 51.8 ग्राम है। ओके, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, 51.8 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंटेन कितना नंबर ऑफ एटम होगा इसमें, तो एक मोल में जितना एटम होगा वही एटम 51.8 ग्राम में होगा, कारण कि यहां पे तुम देखो लिखे हुए हो क्या, 51.8 ग्राम पर मोल, एक मोल में 51.8 ग्राम होता है, और एक मोल में एटम की संख्या कितनी होती है, 6.023 इंटू 10^23 एटम होता है। तो एक मोल में अगर इतना एटम होता है तो 51.8 ग्राम में भी तो इतना ही एटम होगा। अब एक ग्राम में कितना एटम होगा, तो एक ग्राम में एटम की संख्या होगी 0.6023 10^23 अपॉन में क्या हो जाएगा, 51.8। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 208 में कितना होगा, 208 ग्राम जब होगा एलिमेंट तो कितना होगा, तो 208 ग्राम में होगा 6.023 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाई
51.8 मल्टीप्लाई 208। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका फाइनल वैल्यू जो मिलेगा वो 24.17 इंटू 10^23 एटम मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके 2017 या 16 में, मुझे जहां तक याद है 16 या 17 में, ये सेम क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, और जो कि 2 नंबर या 3 नंबर का था। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आज जो हम सारा लेक्चर आपको बताए, रेडियस कैलकुलेशन, रेडियस रेशियो, डेंसिटी कैलकुलेशन, डेंसिटी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक बार दो बार इस वीडियो को जरूर देखें, और इतना से आगे इस पैटर्न से, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, बाय।